हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सूट के बचे हुए कपड़ों से एक टॉप की डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। ये कुर्ती में से दो पीस बचे हैं और ये आर्म होल वाली कटिंग है, और ये पीस जो है ये बॉटम पार्ट से बचा है। तो लंबाई में ये आधे मीटर से भी कुछ कम है, 16-17 इंच लगभग होगा, और अरज़ में जो कपड़ा होता है उसमें से आधा के लगभग ही है ये। तो इस कपड़े को अभी हम साइड में रख देते हैं, और ये कतरने भी साइड में रख देंगे। अब ये जो लंबे पीसेज हैं इनमें से हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे, और दूसरे वाले पीस को भी लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे। इसका ये जो किनारी वाला साइड है इसको मैं अपने साइड रख रही हूँ, और दोनों पीसेस का किनारी वाला साइड मैं अपनी तरफ कर रही हूँ। अब इसको ऊपर वाले हिस्से को मैं इस तरह से पलटा के रखूँगी, क्योंकि इसका एक सिरा थोड़ा सा छोटा है, तो आर्महोल की तरफ से साइज़ कम होता है, तो हम इसको इसलिए इस तरह से पलटा के रख लेते हैं, और ऊपर से हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे कपड़े को। अब यहाँ जो किनारी वाली साइड है आधा इंच के लगभग इस हिस्से को छोड़ के हम मेजरमेंट करेंगे। तो पहले इसकी हम लंबाई ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग मैं यहाँ पर 17 इंच रखूँगी, और आधा इंच इसका फोल्डिंग मार्जिन रखूँगी। इस तरह से 17.5 पर मैं यह निशान लगाऊँगी। अब ऊपर हम शोल्डर के लिए लेंगे 5.5 इंच, और आधा इंच इधर किनारी वाला मार्जिन छोड़ देंगे, और आर्म होल के लिए भी 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर यहाँ लाइन खींच कर इस तरह से हम चोकर बॉक्स बनाएंगे, और उसमें गोलाई का निशान लगा कर आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट साइज़ लेंगे, तो चेस्ट साइज़ में ले रही हूँ 7.5 इंच, और इसमें यहाँ आगे मार्जिन 0.05 ही बचा है, आधा इंच। अब नेक का साइज़ लेंगे, तो चौड़ाई में नेक हम लेंगे 2 इंच, और गहराई में पीछे का नेक लेंगे 1.5 इंच, और इसको गोलाई का शेप दे देंगे। फिर यहीं से हम फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पर, और इसको भी इस तरह से बॉक्स बनाकर यहाँ पर गोलाई से फ्रंट नेक का शेप दे लेंगे। अब हम इनको निशानों पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ आर्महोल से हम नीचे तक ए लाइन में कटिंग कर देंगे, और आगे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा छोटा था, तो हम उस छोटे हिस्से के मुताबिक ही इसको ए लाइन में कट कर देंगे, और नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। फिर यहाँ से आधा इंच लेके थोड़ा सा शेप में कटिंग कर देंगे, और बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों को अलग अलग करके हम कट कर लेंगे। अभी हमारी कटिंग हो गई है। अभी जो बॉटम में से बचे हुए पीस हमारे पास है उसको हम यहाँ इस तरह से रखेंगे लंबाई में, और यहाँ पर लगभग इसका 3.5 इंच फोल्ड हम करेंगे, और इस तरह से फोल्डिंग में इसको कट कर लेंगे। तो इसको अगर खोलेंगे तो ये लगभग 7 इंच होगा। हम इसको यहाँ डबल फोल्ड में ही रखेंगे इस तरीके से, और अब हम यहाँ आर्म होल से इस तरह से रख के नापेंगे, तो ये 6 इंच आ रहा है। तो हम आस्तीन के लिए लगभग 6.5 इंच कपड़ा हमें चाहिए, तो 6.5 इंच को डबल करेंगे तो 13 इंच होता है, तो यहाँ से ये कपड़ा 13 इंच ही बच रहा है। हम इसको यहाँ इस तरह से डबल करेंगे, लगभग 4.5 या 5 इंच की लेंथ हम उस स्लीव्स की रख सकते हैं, तो यहाँ मैंने 4.5 इंच ली है। इस तरह से ये कपड़ा 2 स्लीव्स के लिए निकला है। इसको बीच में से हम कट कर लेंगे, तो ये 2 स्लीव्स का कपड़ा हो जाएगा। अब इसको इसी तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसको हम कटिंग करेंगे, और यहाँ सेंटर पॉइंट पे कट लगा लेंगे, और यहाँ थोड़ा सा शेप दे देंगे हम। अब यहाँ से मैं इस तरह से स्लीव्स को आर्म होल से रख के नापेंगे, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम सिलाई के टाइम पर एक या दो जितनी प्लीट्स आएंगे उतनी बना लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के दोनों पीस लेंगे, और जो हमने ये पीस कट किया था इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, और दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये इस पीस को मैंने बीच में स्टिच कर लिया है। अब यहाँ इसकी जॉइंट वाली जगह पे से हम इसको इस तरह पकड़ेंगे, और लगभग 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और इनको जॉइंट वाली जगह से ही स्टिच करके इसको जोड़ लेंगे। तो ये इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पीछे से हम कट का निशान लगाएंगे, और कट वाले निशान को सेंटर में रखते हुए हम इस तरह से
इस बड़ी सी जो हमने प्लेट बनाई है इसको हम इस तरह से फैला देंगे, तो बॉक्स प्लेट की तरह ये बन जाएगी। इसके बाद हम यहाँ सेंटर में ऐसे सिलाई लगा देंगे, तो ये जो हमारी पीछे की तरफ प्लेट है वो सेट हो जाएगी। अब यहाँ नीचे से थोड़ा सा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे और बराबर कर लेंगे घेर को। इसके बाद ये सिलाई वाले मार्जिन को ठीक से जमाते हुए यहाँ पे आयरन कर लेंगे, तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अभी मैंने बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट के दोनों पीस हम लेंगे, इनको इस तरह से दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए इसको मिलाएंगे इस तरीके से, और ऊपर से लगभग 4.5 इंच हम खुला रखने के लिए निशान लगाएंगे और बाकी बचे हुए हिस्से को हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो खिला हुआ हिस्सा है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ किनारी वाला हिस्सा है तो हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही सिंगल फोल्ड में स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच कर लिया है, अब हम इसको पीछे वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट को इस पर उल्टा करके रखेंगे और दोनों के शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे। तो ये शोल्डर हमने स्टिच कर लिए हैं, अब इसको हम साइड में रखते हैं और जो बॉटम वाला कपड़ा था उसमें से ये बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे और यहाँ हम 1.5 इंच की रेप पट्टियाँ कट करेंगे। ये रेप पट्टी हमें गले पे लगाने के लिए चाहिए, तो गले के साइज़ से थोड़ी सी ज़्यादा ही होना चाहिए। अब इसके किनारे को हम इस तरह से सीधा करेंगे और गले के साथ उल्टी तरफ से इसको 1/2 इंच बाहर निकाल के रखते हुए हम पूरे गले पे इसको स्टिच कर लेंगे और दूसरे सिरे पर भी हम पट्टी को 1/2 इंच लगभग ज़्यादा रखेंगे। तो ये इस पट्टी मैंने इस पर स्टिच कर ली है गले पर। अब हम यहाँ पर इस तरह से पास पास कट्स लगाएंगे पूरे गले पर। तो ये पट्टी मैंने उल्टी तरफ से रख के लगाई थी, अब जब हम इसको पलटाएंगे तो ये टॉप के सीधी तरफ आ जाएगी। तो इसका ये जो 1/2 इंच मार्जिन हमने छोड़ा था इसको फोल्ड करेंगे और बाकी पट्टी का पूरा मार्जिन हम गले पे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक पैर का मार्जिन अंदर दबाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे और दूसरे सिरे पर भी हम इसी तरह से इसको 1/2 इंच मार्जिन जो है उसको फोल्ड करते हुए, यहाँ पर हम एक ये इलास्टिक है राउंड डोरी वाला, इसका हम एक लूप लगाएंगे और इस पट्टी को स्टिच करने के साथ साथ यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। तो ये पट्टी मैंने स्टिच कर दी है और वो लूप भी लगा दिया है। अब ये आस्तीन ली है मैंने, आस्तीन को हम किनारे पर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। दोनों आस्तीन मैंने फोल्ड कर ली हैं, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सेंटर पर निशान लगाएंगे और यहाँ सेंटर पर प्लेट्स लगाएंगे दो एक दूसरे की तरफ मुँह करते हुए, और उसके बाद फिर एक एक प्लेट और लगाएंगे इन दोनों प्लेटों के बाहर और यहीं इनको हम स्टिच कर लेंगे इसी तरह से। तो दोनों आस्तीनों पर मैंने इसी तरह से प्लेट्स बना के स्टिच कर लिया है, तो दोनों आस्तीन पे 4-4 प्लेट्स आई हैं। अब हम इसको इस तरह से स्लीव्स पर लगाएंगे। तो आस्तीन हमारी 1/2 इंच के लगभग ज़्यादा थी, तो यहाँ पर शोल्डर के पास यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम एक प्लेट बना देंगे, एक या दो जितनी भी बने उतनी बना देंगे हम। तो इस तरह से आस्तीन मैंने इस पर स्टिच कर ली है, दोनों तरफ हम आस्तीन इसी तरह से लगा लेंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे टॉप को और इस तरह से स्लीव्स के पास से मिलाते हुए हम इसको साइड में फिटिंग लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ मैंने फिटिंग लगा ली है इस तरीके से, और ये आस्तीन का जो साइज़ मैंने रखा है यहाँ पर मोहरी का साइज़ 4 इंच रखा है। अब इसके घेर पे हम इस तरह से किनारी फोल्ड करके इसका घेरा फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरह से हमारा टॉप लगभग रेडी हो गया है। ये एक बटन है, इसको हम बैक साइड पर लगा देंगे यहाँ गले पर इस लूप के साथ, और फ्रंट में हम जो हमने इस ये 3 बटन हैं इनको मैं यहाँ पर लगाऊंगी जितना हमने इसको स्टिच किया था यहाँ पर, और बाकी हिस्सा नीचे इसका ओपन है। तो इस तरह से हमारा टॉप रेडी हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे और इसका लुक बहुत खूबसूरत आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।